मीडिया के साथ कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भ्रम दूर करने वाली कवरेज मुसलसल जारी है। जी मीडिया आपको कोरोना के इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डराएगा नहीं बल्कि सच बताएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन का मतलब सर्दी जुकाम से ज्यादा कुछ भी नहीं। जानकारों का कहना है कि अगर ओमिक्रॉन किसी शख्स को हो जाता है तो फिर हार्ड इम्यूनिटी बन जाएगी और इससे ज्यादातर लोगों में माइल्ड इन्फेक्शन ही देखे जा रहे हैं, तो फिर टेंशन क्यों ले, एहतियात बरतें और इसका मुकाबला करें। साथ ही साथ तमाम उन कोविड गाइडलाइंस पर भी अमल करें जो सरकार के जरिए जारी की गई हैं ताकि आप खुद को महफूज रख सके। और अब आगाज करेंगे अहम तरीन खबरों का। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की पांच अहम खबरों पर। वजीर आजम मोदी आज आत्मनिर्भर मईशत पर बीजेपी कारकुनान को मजाजी खिताब करेंगे। यूपी की 403 असेंबली हलकों में बड़ी बड़ी AID स्क्रीन लगाई जाएंगी और साथ ही 50 लाख से ज्यादा वोटर्स इसका लिंक शेयर किया जाएगा। उधर अमित शाह अलीगढ़ और बदायूं में बीजेपी तस्वीर को धार देंगे तो योगी आदित्यनाथ मथुरा और बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे जहां वो खिताब करेंगे। तमाम तैयारियां उत्तर प्रदेश इंतखाब को देखते हुए। दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल भी अपनी यकजहती का मुसलसल मुजाहिरा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक के दल के सदर जयंत चौधरी दोनों साथ साथ इंतखाबी तस्वीर करते हुए नजर आएंगे। शामली, बागपत और गाजियाबाद में अखिलेश और जयंत चौधरी का खास प्रोग्राम रखा गया है। अब बढ़ेंगे तीसरी खबर की ओर। तीसरी आम खबर आपको बता दें, हिंदुस्तान में फिलहाल 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है लेकिन अमेरिका में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। दिग्गज दावा कर रहे हैं कि कंपनी फाइजर ने अमेरिकी सरकार से 5 साल से छोटे बच्चों को लगाई जाने वाली वैक्सीन के लिए मंजूरी मांगी है। फाइजर कंपनी चाहती है कि उन छोटे बच्चों को कोविड वैक्सीन की खुराक बहुत कम तादाद में दी जाए। अगर अमेरिका में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी मिल जाती है तो इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए वैक्सीन का रास्ता खुल सकता है। चौथी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सदर बनने के बाद कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी ने अपनी पहली मुलाकात से कबल अमेरिकी सदर जो बाइडेन से कहा कि अमेरिका कतर को गैर नाटो इत्तेहाद का दर्जा देगा। ओवल ऑफिस में कतर के अमीर से होने वाली मुलाकात से पहले बाइडेन ने कहा कि बहरीन, मिस्र, कुवैत और उर्दून की तरह कतर को भी मशरिके वुस्ता में अमेरिका का गैर नाटो इत्तेहाद करार देंगे। बाइडेन ने अपने फैसले में कहा कि कांग्रेस को मुत्तला करने का ऐलान किया है और इस फैसले को दोनों मुल्कों में बहमी तालुकात का अहमियत एहसास कराना है। वहीं कतरी अमीर ने कहा कि सदर बाइडेन से मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती के साथ साथ फिलिस्तीन अवाम से मसावा हुकूक को लेकर चर्चा करेंगे। शेख तमीम के दौरे के दौरान तवनाई और फिजाई के शोबे को लेकर भी बातचीत होगी। पांचवी बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। 4 बार की चैंपियन इंडिया टीम ने क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को हराकर मुकाबला चौथी बार जीता था और फिर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार अंडर-19 आर्मी कप का खिताब जीता हुआ है। ऐसे में दोनों टीम्स के बीच ये सख्त टक्कर देखने को मिल सकती है। अंडर-19 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान ने अभी तक शानदार मुजाहरा करते हुए अपनी सभी 4 मुकाबले जीते हैं और सेमीफाइनल मुकाबला आज 6:30 बजे एंटीगुआ के कोलेज क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। जीतने वाली टीम 5 फरवरी को फाइनल में इंग्लैंड के साथ खिताब भिड़ंत होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी आज फिर वर्चुअल खिताब करने वाले हैं। आत्मनिर्भर मईशत पर पीएम मोदी का यह खिताब होगा। यूपी में 403 असेंबली हलकों से जुड़ेंगे कारकुनान और एक ही जगह पर 1000 कारकुनान सुनेंगे तकरीर। 50 लाख से ज्यादा वोटर्स को लिंक शेयर होगा। आपको बता दें कि वर्चुअल तरीके से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये खिताब करने वाले हैं। LED स्क्रीन जगह जगह पर लगाए गए हैं, लिंक शेयर किया जाएगा लोगों के साथ। उत्तर प्रदेश के जो इंतखाब है बेहद अहम उन्हें माना जाता है और इसी सिमत में पीएम मोदी आज कारकुनान से खिताब करने वाले हैं। आत्मनिर्भर मईशत पर पीएम का यह खिताब होने वाला। यूपी में 403 असेंबली हलकों से जो कारकुनान है वो इसमें जुड़ेंगे। एक जगह पर 1000 से ज्यादा कारकुनान इस तकरीर को सुनेंगे।
50 लाख से ज्यादा वोटर्स को ये लिंक शेयर होगा और वजीर आजम की जो तकरीर है उसे सुनेंगे 50,000 से ज्यादा वोटर्स। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और चार और रियासतों में इंतखाब है और इसी सिमत में मुसलसल तैयारियां की जा रही है, लेकिन इस बीच जो एक गहन है कोरोना का वो लगा हुआ है। मुसलसल कोरोना के मामलों में इजाफा अलग अलग रियासतों में देखने को मिल रहा था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन सख्त नजर आया, पाबंदियां लगा दी गई, कई तरह की जो रैलियां थी उन पर भी पाबंदियां लगाई गई। और जो एक ऑल्टरनेट निकलकर सामने आया वो यही था कि ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल लोगों से जुड़े और इसी सिमत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब करें। कोरोना को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने रैलियों और अवामी जलसों पर पाबंदी लगाई है, इसी की वजह से असेंबली इंतखाब में सभी पार्टियां वर्चुअल तस्वीर पर ही ज्यादा जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने डिजिटल तस्वीर के लिए बड़ी तैयारियां की, वर्चुअल रैलियों के लिए बीजेपी ने लखनऊ में खसूसी एक स्टूडियो भी तैयार किया, जहां से पीएम मोदी समेत बीजेपी के जो बड़े लीडरान हैं वो वर्चुअल रैलियों को खिताब करेंगे। और लखनऊ से हमारे नुमाइंदे विशाल पांडे ने पूरे जो तमाम इंतजाम है उनका जायजा लिया और ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की आपके लिए, देखिए। बाईस के विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार डिजिटल तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि कोरोना काल के चलते रैलियों पर पाबंदी लग चुकी है, इसलिए अब वर्चुअल रैलियां की जा रही हैं और इसी विधानसभा तक पहुंचने के लिए अब राजनीतिक दल वर्चुअल सहारा ले रहे हैं। इस वक्त हम यूपी बीजेपी मुख्यालय पर हैं और बीजेपी की वर्चुअल रैलियों की क्या तैयारी है आज हम आपको ये दिखाएंगे। ये वर्चुअल रैली स्टूडियो तैयार किया गया है यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय लखनऊ में, जहां से उत्तर प्रदेश की वर्चुअल रैलियां बीजेपी यहीं से ही ऑपरेट करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जो रैलियां यूपी के अलग अलग इलाकों में होंगी उसमें वर्चुअल का सहारा यहीं से लिया जाएगा। कैसा है बीजेपी का वर्चुअल रैली स्टूडियो, आइए आपको दिखाते हैं। बीजेपी का ये वर्चुअल रैली स्टूडियो है जहां पर आप देखिए लिखा है शूटिंग इज ऑन और यहीं पर सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है या लाइव स्ट्रीमिंग भी यहीं से की जाती है। ये आपको क्रोमा फ्लोर दिखाई पड़ेगा, यानी इसके माध्यम से यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर पूरे प्रदेश की जनता को संबोधित कर सकता है और ऐसा लगेगा यहां पर इस क्रोमा फ्लोर के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है वो बदला जा सकता है। इसकी तैयारी भी यहाँ पर बीजेपी ने की है। मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े, हो सकता है हमारा बैकग्राउंड आपको लगे कि हम बीजेपी या किसी दूसरे मंच पर मौजूद हैं, ऐसे जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी रिकॉर्डिंग होगी, कैमरे लगे हुए हैं, पूरा आप ये भी कह सकते हैं एक न्यूज रूम बना दिया गया है। यहाँ आपको एक जन चौपाल का कॉर्नर लगाया गया है, यहाँ खड़े होकर कोई भी नेता भाषण दे सकता है और उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में लोगों तक ये पूरी जानकारी यहां से पहुंच सकती है। भाषण यहां से जो नेता हैं बीजेपी के वो दे सकते हैं। यही पूरा वर्चुअल स्टूडियो है भारतीय जनता पार्टी का, बड़ी स्क्रीन यहां पर लगाई गई है जहां पर फाइनल आउटपुट दिखाई देगा कि आखिरकार कहां पर क्या चल रहा है। अलग अलग जगह से लोग कनेक्टेड होंगे और आप देखिए जब इधर आएंगे, इधर एक PCR इन्होंने तैयार किया हुआ है पूरा, जब आप देखेंगे यहां से पूरा सिस्टम है, मल्टी सेटअप है और यहीं से हर जगह के जो भी आउटपुट आता है उसको एक मास्टर आउटपुट में तब्दील किया जाता है और वो ऑन एयर तैयार हो जाता है। काफी हाईटेक वर्चुअल स्टूडियो बीजेपी ने यहां पर तैयार किया है। हमारे साथ कामेश्वर जी हैं जो कि IT सेल के संयोजक हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के। कामेश्वर जी, काफी हाईटेक स्टूडियो है, अब वर्चुअल स्टूडियो के सहारे रैली होंगी, वर्चुअल चुनाव? जी बिल्कुल होंगे, और आज की परिस्थिति को देखते हुए और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी था कि इस तरह का एक स्टूडियो हम बनाएं। और यही नहीं, हमारे जो 6 क्षेत्र हैं, मतलब ये तो लखनऊ एक क्षेत्र हो गया हमारा, साथ ही साथ जो इसके अलावा 5 क्षेत्र हमारे जो हैं उनमें सभी जगहों पर हमने इसी प्रकार की व्यवस्था कर दी है। ईश्वर जी, एक साथ कितने लोग जुड़ सकते हैं इसमें? अगर जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं तो PM के साथ कितनी मैक्सिमम क्षमता है कि लोग एक साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, इसमें हम ऑन स्टेज 8 लोगों को ला सकते हैं।
अच्छा। और साथ ही साथ हमने आठ लोकेशंस को ला सकते हैं। इसके साथ साथ पीछे हमने ऐसी सुविधा दी है, दो LED स्क्रीन का हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, बल्कि तीन का किया हुआ है, जिसके ऊपर हम वीडियो और फिक्स्ड पिक्चर्स डाल सकते हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों से जो चौपाल होगी, जो लोग जुड़ेंगे प्रधानमंत्री या बड़े नेताओं के साथ, उनका वहां की जो भीड़ की तस्वीरें होंगी या वहां के जो लोग हैं वो एक इंटरनेट के माध्यम से या लाइव व्यू के माध्यम से बीजेपी के इस मुख्यालय पर वो फीड आएगी और उसके बाद उसे सीधे प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा जाएगा और फिर वर्चुअल रैली होगी। जैसा कि आपने पहले देखा है, ये खास तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वर्चुअल स्टूडियो की देख रहे हैं, क्योंकि इस बार चुनाव कोरोना के काल के चलते वर्चुअल ही लड़ा जा रहा है, तो वर्चुअल तैयारी बीजेपी की इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो विशाल पांडे की खसूसी रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह का वर्चुअल स्टूडियो बीजेपी की जानिब से तैयार किया गया ताकि अवामी राबता कायम कर सके, अवाम के बीच पहुंच सके। और इस वक्त एक और अहम खबर इसी सिम्त में आपको बता दें, जिस तरह से आपने देखा कि जो रैलियों पर पाबंदी है वो लगाई गई, अलीगढ़ और बदायूं का दौरा करने वाले अमित शाह अवामी राबते के साथ इंतखाबी जलसा करेंगे और मीटिंग करेंगे। शाह अलीगढ़ के अतरौली में करेंगे इंतखाबी जुलूस और बदायूं में दो जगह पर अमित शाह का जलसा होगा, घर घर जाकर अवाम से वो राबता करेंगे। तो जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि कोविड की वजह से जो पाबंदियां हैं, मुख्तलिफ पाबंदियों को आयद किया गया है ताकि कोरोना के मामलों में इजाफा ना हो, रैलियों पर भी पाबंदी लगा दी, महदूद कर दी गई थी जो लोगों की तादाद होती है, लेकिन उसके बाद अब जो आला लीडरान है घर घर जाकर आवाम से राबता कायम कर रहे हैं। और इसी सिमत में आज अमित शाह भी अलीगढ़ और बदायूं का दौरा करने वाले। इसके अलावा आपको बता दें कि बुलंदशहर और मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी तशहीर करने वाले हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के में इंतखाबी तशहीर करेंगे योगी आदित्यनाथ, मथुरा के छाता और गोवर्धन में सीएम करेंगे इंतखाबी तशहीर। पूरी तैयारी में से जुटी हुई है और आला लीडरान बीजेपी के मुसलसल आवाम के बीच पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं, डोर टू डोर तशहीर करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई आला लीडरान को और बुलंदशहर और मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ तशहीर करने के लिए पहुंचेंगे। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में इंतखाबी तशहीर करेंगे और मथुरा के छाता और गोवर्धन में भी सीएम इंतखाबी तशहीर करने वाले हैं। यूपी इंतखाब से जुड़ी एक और आम खबर आपको बता दें, यूपी इंतखाब के लिए बीजेपी का एक और फेहरिस्त जारी कर दी गई है बीजेपी की जानिब से। बीजेपी ने 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया। मौली से शशांक त्रिवेदी को टिकट दिया गया, लखनऊ मशरिक से गोपाल टंडन को टिकट दिया गया, बख्शी को तालाब से योगेश शुक्ला को टिकट है, महिलाबाद से जया देवी को बनाया गया उम्मीदवार, सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया, लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को उम्मीदवार बनाया, मोहनलालगंज से अमरेश कुमार को टिकट, लखनऊ शुमाल से नीरज बोरा को टिकट दिया है पार्टी ने, चित्रकूट से चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया, ऊंचाहार की बात करें तो ऊंचाहार से अमरपाल मौर्य को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। तो एक और फेहरिस्त बीजेपी के सामने आई, 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, कई आम नाम भी लिस्ट में शामिल। बीजेपी अपने कद्दावर लीडरान पर यहां पर दाव लगाती हुई नजर आ रही है। बेहद अहम उत्तर प्रदेश का इंतखाब माना जाता है और इसी सिंध में बीजेपी की एक और फहरिस्त ये सामने आई, 17 उम्मीदवारों का इसमें नाम शामिल है। मौली से शशांक द्विवेदी हैं और कई और अहम नाम इस लिस्ट में शामिल। और सपा RLD के साथ साथ तशहीर अखिलेश जयंत साथ साथ आज तशहीर करने वाले, समाजवादी पार्टी की भी तैयारी पूरी है, शामली बागपत और गाजियाबाद में तशहीर करेंगे। इत्तेहाद की यकजहती दिखाने का मकसद है, आपको बता दें मुसलसल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव और RLD के सदर जयंत चौधरी, और इसी सिंध में आज तशहीर भी साथ साथ करते हुए नजर आएंगे। बेहद अहम इस इत्तेहाद को माना जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए और इस इत्तेहाद को दिखाने के लिए मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो सिलसिला है वो जारी है और आज मुश्तरका तौर पर यहाँ पर इंतखाबी तशहीर करते हुए भी नजर आएंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। शामली बागपत और गाजियाबाद में तशहीर करेंगे और इत्तेहाद की यकजहती दिखाना इनका मकसद। और हमारे नुमाइंदा अमर हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमर, आपसे जानना चाहेंगे मुश्तरका ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर चल रहा था और इस बीच अब एक साथ तशहीर करते हुए भी नजर आएंगे अखिलेश और जयंत, साफ मकसद यही कि इत्तेहाद की यकजहती दिखाना।
हमारा आपको आवाज मिल पा रही है? टेक्निकल रीजंस की वजह से हमारे नुमाइंदे से बात हो नहीं पा रही है। अभी आपको एक बार फिर बता दें कि एसपी आरएलडी के साथ साथ तस्वीर देखने को मिलेगी, अखिलेश जैन साथ साथ तस्वीर करने वाले हैं, शामली बागपत और गाजियाबाद में नजर आएंगे। इत्तेहाद की यकजहती दिखाना मकसद है, बेहद तनाजो में भी घिरे और उसके बाद आखिरकार सपा और आरएलडी साथ आई और उसके बाद उम्मीदवारों की हमने देखा कि लिस्ट भी सामने आई और अब इंतखाबी तस्वीर में जुटी हुई हैं दोनों पार्टियां। दावे बड़े हैं, वादे बड़े हैं अखिलेश यादव के, देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे जो इत्तेहाद है इसके नतीजे सामने आते हैं। इसी सिमट में जुटे हुए हैं, मुसलसल आवाम के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम से राबता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे करते हुए भी नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। और आपको बता दें हर जगह जो ये इत्तेहाद है इसकी यकजहती का मकसद भी आवाम तक पहुंचा रहे, उसका मकसद है आवाम तक पहुंचाना इस यकजहती को, जिस तरह से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नजर आए और अब एक साथ तस्वीर करते हुए भी नजर आएंगे। जो आपसी यकजहती कायम की है समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने, उसे आवाम तक पहुंचाना इसका मकसद है ताकि आवाम का जो यकीन है वो समाजवादी पार्टी पर बन सके और एक बार फिर सत्ता में वापसी करने की कोशिश है अखिलेश यादव की। तो अखिलेश और जयंत साथ साथ तस्वीर करेंगे, शामली बागपत और गाजियाबाद में तस्वीर करेंगे, इत्तेहाद की यकजहती दिखाना ही आम मकसद होगा इसका। कई तरह के वादे भी कर चुके अखिलेश यादव, आम आवाम से रोजगार का वादा भी नौजवानों से, इसके अलावा खवातीन के फरोग के लिए वादा, किसानों के लिए भी अन्य संकल्प लेते हुए नजर आए थे कई जगहों पर और अब एक साथ इंतखाबी तस्वीर करते हुए भी नजर आएंगे। उधर बीएसपी सुप्रीमो भी आज से होंगी सरगर्म, आज आगरा में मायावती का इंतखाबी जलसा होने जा रहा है, सीआईजी मैदान में मायावती करेंगे इंतखाबी जलसा और इंतखाबी राबता मुहिम का आगाज करेंगे मायावती। बता दें कि कोविड के जो जाब्ते उनका उनकी पासदारी इस दौरान की जाएगी पूरी तरह से, जो सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उन गाइडलाइंस पर अमल किया जाएगा इस अवामी जलसे के दौरान। इलेक्शन कमीशन बेहद सख्त है, किसी तरह की कोई भीड़ लगाने से परहेज करने की हिदायत दी है साफ तौर पर। और इस बीच आज बीएसपी सुप्रीमो मैदान में उतरने वाली हैं मायावती, आज से आवाम के बीच पहुंचेंगे, अपनी सरकार में किए गए जो काम थे उन्हें आवाम तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा देखना होगा कौन से बड़े वादे मायावती आवाम के बीच पहुंचकर करती हैं। हालांकि मायावती इस बार सियासी मैदान से दूर है, वो इंतखाब नहीं लड़ने वाली, लेकिन अपनी पार्टी की जो खोई हुई पहचान है उत्तर प्रदेश के अंदर उसे ढूंढने के लिए एक बार फिर वो मैदान में आज उतरेंगी, आगरा पहुंचेंगी मायावती और इंतखाबी जलसा करेंगी। जीआईसी मैदान में मायावती इंतखाबी जलसा करेंगी। और एमआईएम की बात करें तो एआईएमआईएम उम्मीदवार समेत 19 मुकदमे दर्ज किए गए, जाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर ये केस दर्ज हुए, कोविड जवाबित की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। कल हजारों की भीड़ लगाकर हुई थी एमआईएम की तस्वीर, हापुड़ के सिंभावली थाने में दर्ज हुई है ये एफआईआर। जिस तरह से जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन बेहद सख्त है, साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया था कि कहीं पर भी भीड़ दिखाई देते हैं तो कार्रवाई होगी और इसी सिंध में हापुड़ से ये खबर सामने आई है। एआईएमआईएम उम्मीदवारों की भीड़ देखी गई और एआईएमआईएम के उम्मीदवार समेत 19 और लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी का मामला यहां पर दर्ज किया गया। तो भारी भीड़ बताई जा रही है एमआईएम की रैली में यहां पर इकट्ठा हो गई थी इंतखाबी तस्वीर करते हुए और उसके बाद हापुड़ की रैली थी और उसके बाद मामला दर्ज किया गया। और अब खबर उत्तराखंड इंतखाब से जुड़ी है, उत्तराखंड में आज कांग्रेस जारी करेगी इंतखाबी मंशूर, देहरादून में कांग्रेस का जारी होगा इंतखाबी मंशूर, प्रियंका गांधी करेंगी मैनिफेस्टो को लॉन्च, नौजवानों और खवातीन पर हो सकता है फोकस। जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा प्रियंका गांधी मुसलसल खवातीन वोटर्स को अपने पाले में खींचने के लिए अहम ऐलान कर चुकी हैं, खवातीन के लिए 40% रिजर्वेशन हो, स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, इसी तरह का अब इंतखाबी मंशूर जो उत्तराखंड में कांग्रेस जारी करने वाली है उससे भी उम्मीद है लोगों को कि नौजवानों पर फोकस रह सकता है, खवातीन पर फोकस रह सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंतखाबी मंशूर कांग्रेस पार्टी लेकर आई है वो साफ तौर पर नौजवानों को ख्याल में रखते हुए बनाया गया, उनके रोजगार की बातें उसी से जुड़ा हुआ पूरा इंतखाबी मंशूर था और आज उत्तराखंड में भी जारी करने वाली है कांग्रेस। देखना होगा किन अहम नुक्तात पर कांग्रेस का फोकस रहता है,
खबर यही है कि नौजवानों और खवातीन पर फोकस रह सकता है क्योंकि मुसलसल इसी मुद्दे को उठाती हुई कांग्रेस इस बार इंतखाबी मैदान में नजर आ रही है। तो उत्तराखंड में आज कांग्रेस जारी करेगी इंतखाबी मंशूर, देहरादून में कांग्रेस का ये मंशूर जारी होने वाला है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बारे में बात कर लेते हैं। सेमीफाइनल में आज हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। चार बार की चैंपियन टीम इंडिया ने क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को हराकर मुसलसल चौथी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने तीन बार अंडर 19 आलमी कप का खिताब जीता। ऐसे में दोनों के बीच सख्त टक्कर देखने को मिल सकती है। अंडर 19 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान ने अभी तक शानदार मुजाहरा करते हुए अपने सभी चार मुकाबले जीते। सेमीफाइनल मुकाबला शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। एंटीगुआ के क्रूलीज क्रिकेट ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जाएगा। जीतने वाली टीम 5 फरवरी को फाइनल में इंग्लैंड के साथ खिताबी भिड़ंत करेगी।